हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। फाइनली DOSOL के सेमेस्टर 6 के सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के रिज़ल्ट आ चुके हैं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद आप जो भी अपना ड्रीम परस्यू करना चाहते हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ड्रीम आपका कम्प्लीट हो। अब ग्रेजुएशन तो SOL से आपने कर ली है, अब इसके बाद कौन से डॉक्यूमेंटेशन हैं जो आपको SOL से मिलेंगे, कौन से डॉक्यूमेंटेशन हैं जो ऑनलाइन डाउनलोड करने हैं, आज इसी टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप लोगों की मार्कशीट से। काफ़ी स्टूडेंट ये क्लेम करते हैं कि सर हमने अब कंप्लीट कर लिया, अब क्या हमें SOL से कोई मार्कशीट मिलेगी? इसका आंसर है पार्शली नो, पार्शली हाँ। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगले एक साल तक आपको कोई भी मार्कशीट हार्ड कॉपी की नहीं मिलेगी। जो मार्कशीट आपने ऑनलाइन डाउनलोड करी है अपने वेबसाइट से, उसी मार्कशीट को डिजिटली वेरीफाई कीजिए और अपने पास प्रिंट फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में सेव करके रख लीजिए। ये मार्कशीट की हार्ड कॉपी फ़िलहाल अभी नहीं मिलने वाली, अभी जो ऑनलाइन मार्कशीट है यही ओरिजिनल है, इसी को आप लोग ओरिजिनल मानकर चलिए। अभी मैं बताऊंगा हार्ड कॉपी वाली मार्कशीट का क्या मात्रा है, वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट फॉर्मेट में या PDF फॉर्मेट में सेव करके रख लीजिए। कुछ बच्चे सवाल करेंगे, सर क्या इस पर स्टैंप लगवाने की ज़रूरत है? नहीं, इस पर स्टैंप लगवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर आपको मार्कशीट दिखानी है वो फोर्स कर रहे हैं कि जी स्टैंप वाली लाइए, तो उस कंडीशन में आप स्टैंप लगवा सकते हो SOL जाकर। उस कंडीशन में आप लोगों को 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये मार्कशीट की बात फ़िलहाल हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इसके बाद दोबारा से हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके बाद बारी आती है आप लोगों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैक्सिमम कोर्स के आ गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम कोर्सेज के रिजल्ट आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम तो नहीं बट किसी किसी कोर्स को एक हफ्ता, किसी को दो हफ्ता भी हो गया। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ BA प्रोग्राम का रिजल्ट आए हुए भी लगभग 2 दिन हो गए हैं। तो BA प्रोग्राम को छोड़कर काफ़ी सारे कोर्सेज के, काफ़ी सारे बच्चों के प्रोविजनल सर्टिफिकेट आना शुरू हो गए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SOL की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको डैशबोर्ड नहीं ओपन करना, SOL की वेबसाइट से जाकर उसे डाउनलोड करना है। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ जिस टाइम पर वीडियो बना रहा हूँ, BA प्रोग्राम का अभी शायद नहीं आया होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो BA प्रोग्राम वाले बच्चों वेट कर लेना, ठीक है? बाकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, मार्कशीट को कैसे डिजिटली वेरीफाई करा जाता है, उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा ये डिग्री के प्लेस पर काम करता है आपका पूरा एक साल तक, जब तक डिग्री नहीं मिलती। डिग्री के प्लेस पर यही प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका हर जगह पे काम करेगा, ठीक है? अब इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर भी आपको स्टैम्प लगवाने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप कैंपस में कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने। अब यहाँ पर बारी आती है आपकी डिग्री की, डिग्री आप लोगों को कब मिलेगी? देखिए डिग्री का जो केस ऐसा होता है, जो आपकी हार्ड कॉपी वाली डिग्री है वो आपके कॉन्वोकेशन के कुछ महीनों के बाद मिलती है। क्योंकि आप 2024 में पास आउट हो तो आपका कॉन्वोकेशन होगा फरवरी के लास्ट वीक में 2025 में। कॉन्वोकेशन में आपको इनवाइट नहीं करा जाएगा, इस चीज़ की चिंता मत करें। कॉन्वोकेशन जिस दिन हो जाएगा उस दिन से कुछ महीनों के बाद आपकी जो हार्ड कॉपी वाली डिग्री है वो आपको मिल जाएगी। अब क्या वो डिग्री कैंपस जाकर लेनी पड़ेगी या आपके एड्रेस पर आएगी, अभी क्लेरिफिकेशन इस पर नहीं है, बट मोस्ट लाइकली आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही वो डिग्री भेज दी जाएगी, हार्ड कॉपी वाली डिग्री। इसके लिए कोई भी फॉर्म आपको नहीं भरना, कुछ भी आपको नहीं करना। जो आपकी डिजिटल डिग्री है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डिजिटल डिग्री कब आएगी? जिस दिन कॉन्वोकेशन होता है यूनिवर्सिटी का, जो कि फरवरी के लास्ट वीक में 2025 में होगा आपके लिए, उस दिन डिजिटल डिग्री डाउनलोड करने के लिए रेडी हो जाएगी। अगर आपको डिग्री चाहिए होगी अर्जेंटली तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अदरवाइज आप उस डिजिटल डिग्री को डाउनलोड करो या ना करो, आपको बाद में हार्ड कॉपी वाली डिग्री मिल ही जाएगी। हार्ड कॉपी वाली डिग्री जो बाद में मिलेगी कोई पैसे नहीं है उसके, लेकिन जो डिजिटल डिग्री है अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहोगे तो 750 रुपये की पेमेंट आपको करनी होगी। ये हो गई बात, ठीक है? इसके अलावा एक प्रावधान यूनिवर्सिटी में एडवांस डिग्री का भी है, डिग्री इन एडवांस का। डिग्री इन एडवांस सिर्फ 3 कंडीशन में दी जाती है। वो कंडीशंस ये हैं, या तो आप बाहर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो ये अपना हायर एजुकेशन के लिए, या बाहर किसी फॉरेन में आपकी जॉब लग गई है किसी कंट्री में, या आप फॉरेन में शिफ्ट कर रहे हो परमानेंटली,
इन्हीं तीन कंडीशन में डिग्री इन एडवांस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चूंकि इसका नाम डिग्री इन एडवांस है तो कॉन्वोकेशन 2025 से पहले ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए डिटेल प्रोसेस के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन जो तीन कंडीशंस मैंने बताई, सिर्फ उन्हीं तीन कंडीशंस में ये जो आपकी डिग्री है ये प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। बाकी इंडिया के अंदर प्रोविजनल सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड है, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता। अब जो मैं मार्कशीट की आधी अधूरी बात कर रहा था उसे पूरा कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर अभी कुछ टाइम पहले एक प्रावधान आया है कि मार्कशीट की हार्ड कॉपी भी अब बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, लेकिन वो हार्ड कॉपी डिग्री के साथ या डिग्री के बाद ही मिलेगी। इसलिए मैंने अभी कुछ देर पहले वीडियो के शुरुआत में आपसे यही कहा कि फिलहाल जो ऑनलाइन वाली मार्कशीट है उसे ही डाउनलोड करके रख लीजिए प्लीज़। वो ऑनलाइन वाली मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए भी कुछ टाइम के बाद 500 रुपये देने होंगे, इसलिए उसको अभी से डाउनलोड करके अभी से PDF या प्रिंट फॉर्म में अपने पास रख लीजिए ताकि आगे परेशानी ना हो। हार्ड कॉपी वाली मार्कशीट की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको हार्ड कॉपी की डिग्री मिलेगी उसके साथ ही वो मार्कशीट की हार्ड कॉपी मिलेगी, लेकिन उसमें अभी टाइम है, 1 साल या ज़्यादा भी लग सकता है, तो इसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। और जो डिग्री की मैं बात कर रहा था थोड़ा सा और क्लेरिफाई कर दूँ, कॉन्वोकेशन के बाद ही ये हार्ड कॉपी वाली डिग्री आएगी, तो वो कभी भी आ सकती है, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, तो इतना तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हो गई डिग्री की बात। इसी बात काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें। देखो, अगर आप 2024 में ग्रेजुएट हुए हो तो आपको परसेंटेज निकालने के लिए सीधा अपना CGPA को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। आप जो मार्कशीट में आपके लिखा हुआ है उसको समझने में ज़रा भी कन्फ्यूजन ना रखें। उस मार्कशीट में ये लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट अकेडमिक सेशन 22-23 या उसके बाद ग्रेजुएट होगा तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करना है। आप इस चीज़ को मत सोचिए कि सर मेरा तो 2021 का एडमिशन है, उसको मत देखिए, आपका कंप्लीट कब हुआ है उस चीज़ को कंसिडर कीजिए। 2024 में कंप्लीट हुआ है, इट मींस यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 ओनली। वेदर यू वांट टू कैलकुलेट सेमेस्टर वाइज परसेंटेज, यू हैव टू मल्टीप्लाई योर SGPA बाय 10, और इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट योर ईयर वाइज परसेंटेज और एग्रीगेट परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई करो अपनी CGPA को सिर्फ 10 से, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद कुछ बच्चे कुछ और स्पेसिफिक सर्टिफिकेट क्लेम करते हैं, लाइक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट SOL से दिया नहीं जाता। उसके लिए आप चाहो SOL कैंपस में विजिट कर लो एक बार प्लीज़, और उनसे रिक्वेस्ट कर लो कि सर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो देने को रेडी हो जाते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अगर रिक्वायरमेंट है तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या नज़दीकी SDM ऑफिस से बनवा लीजिए, चंद सेकंड में वो लोग बनाकर दे देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। तीसरा मैटर आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है? अगर आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए एक्सेप्ट इग्नू में माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए DU के अलावा तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए पूरा डिटेल प्रोसेस होता है, आपको पहले ऑनलाइन फ़ीस भरनी पड़ती है, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, फिर एक फॉर्म SOL कैंपस में भी जाकर भरना पड़ेगा, उसको अटैच करना पड़ेगा उसके साथ डॉक्यूमेंट, देन उसको Gate No. 1 में सबमिट करना पड़ेगा, देन आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। इस माइग्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर भी डिटेल प्रोसेस मैंने समझा रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और माइग्रेशन तभी इशू करवाएं जब आपको ज़रूरत है, अगर आपको अभी ज़रूरत ही नहीं है तो माइग्रेशन इशू करवाने की कोई भी नीड नहीं है। माइग्रेशन जब एक बार आप इशू करवा लेते हो उसके बाद अगर आपका मन चेंज हुआ कि मुझे एडमिशन DU में ही चाहिए PG पे, तो माइग्रेशन आपको दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा वहाँ पे, तो इतने झमेले में ना पड़ो। तो इसलिए अच्छा ये है कि पहले ये डिसाइड कर लो कि आपको यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना ही है, तो आप माइग्रेशन इशू करवा सकते हो। जनरली 7 से 10 वर्किंग डेज में इशू हो जाता है। इसके अलावा बात कुछ और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट भी बच्चे पूछते हैं। कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मुझे मीडियम का सर्टिफिकेट चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का। भाई ये स्पेशल सर्टिफिकेट्स हैं, या आप SOL कैंपस में एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखकर जाइएगा अपने प्रिंसिपल के नाम कि मुझे ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ फॉर्मेट में बनाकर आपको स्टैंप लगाकर दे देंगे, आपको ज़रूर से वो लोग कॉपरेट करेंगे। सेकेंड थिंग, इसके काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर मुझे LOR चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, प्लीज़ अपनी मार्कशीट को लेकर आप और अपने हैंड रिटन एप्लीकेशन को लेकर अपने रिस्पेक्टिव कैंपस में जाकर इन डॉक्यूमेंट्स के लिए स्पेशली आप लोग डिमांड कीजिए, तो वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट की भी काफ़ी क्वेरी होती है, जो बाहर बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनको ट्रांसक्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है,
पर ट्रांसक्रिप्ट का भी एक अपना अलग सा प्रोसेस है। पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, फिर उन सारी चीज़ों को आपको सबमिट करने जाना होता है। फिर वो डिपेंड करता है कि आपने बाय कोरियर चूज़ करा है या किस मोड में आपने ट्रांसक्रिप्ट मंगवानी है, उस हिसाब से आपको उसे कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये सारे जो डाउट्स हैं आपके ग्रेजुएशन के बाद के 2024 पास आउट के, वो इस वीडियो में हमने क्लियर करने की कोशिश करी है। और लास्ट में मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे आपको परेशानी हो रही है, लाइक सबसे बड़ा इशू आ सकता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट में, काफ़ी बच्चों का इशू होने में बहुत लेट हो जाता है, तो आप कोई भी ऐसी अर्जेंट एप्लीकेशन लेकर डायरेक्टली अपने कैंपस में जाइए, वो आपको इशू करके दे देंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको लग रहा है कि यार ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लाऊंगा मैं, आप जाइए अपने प्रिंसिपल के पास एसओएल में, वो ज़रूर से इस चीज़ के को लेकर आपसे कोऑपरेट करेंगे। बाकी आप सभी लोग इस वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप हमारा पीजी वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो इग्नू इन्फो पे आ सकते हो, तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल पर कंटिन्यू रख सकते हो। अगर आप जॉब्स की अपडेट लेना चाहते हो तो हमारा जॉब विस्टा वाला चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।